हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। तो आज हम बनाने वाले हैं गुड़ का बहुत ही टेस्टी पराठा, और ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक बोल ले लेते हैं, और हम यहाँ पे डाल लेंगे एक बोल ग्रेट किया हुआ गुड़। गुड़ वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, गुड़ में आयरन भरपूर मात्रा में होता है, साथ ही साथ इसकी तासीर भी गर्म होती है, तो सर्दियों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। बच्चों को भी आप इसे दे सकते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। उसके बाद हमने यहाँ पे सूखा गोला ग्रेट करके डाल लिया है। दो हरी इलायची का पाउडर हम यहाँ पे डाल लेंगे, इससे पराठे में टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और बहुत अच्छी खुशबू आएगी। चाहे तो आप यहाँ पे बादाम और काजू भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, जिससे ये और ज़्यादा हेल्दी हो जाए। उसके बाद देखिए, हम ये पराठा बनाने के लिए यहाँ पर चपाती बना लेते हैं, इसको बेल लेंगे। उसके बाद देखिए, इसमें हम ये गुड़ का मिक्सचर भर लेंगे, जितना आ सके आप भर लीजिए, बिल्कुल नहीं फटता है, क्योंकि सूखा गोला डालने से ये मिक्सचर जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। और देखिए, इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से हमें बेलना है, और ये देखिए पराठा बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। अब गैस पे हमने तवा अच्छा गरम कर लिया था, गरम गरम तवे में हम ये डालेंगे, और दोनों साइड से आपको पहले अच्छे से सेक लेना है। जब ये अच्छे से सिक जाएगा, उसके बाद आप ऊपर से ही तभी घी या तेल लगाए, नहीं तो पराठे में कच्चापन रहता है, और पराठे थोड़ा रोटी से ज़्यादा हैवी भी बनते हैं, तो इससे कच्चापन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। पराठे दोनों साइड से अच्छे से आप अच्छे से सेकने के बाद ही ऊपर से घी तेल लगाएं, तो पराठा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत अच्छे से पका हुआ भी होता है। तो ये देखिए, हमारे गुड़ के पराठे बन के बिल्कुल तैयार हो गए। आप ज़रूर बनाइए, चाहे तो बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी बना के रख सकती है, उन्हें ऐसे ही दे, बहुत ही टेस्टी लगेंगे खाने में।